क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड? प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। फर्स्ट 20 ग्राम कैल्शियम बन रहा है फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस दौरान आपको पता करना है कि कितना फराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, मीन्स नंबर ऑफ फराडे, एक फराडे, दो फराडे, तीन फराडे। अगर आपको याद हो तो हम याद नहीं याद करवा देते हैं। फराडे फर्स्ट लॉ से एक चीज आया था कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ फराडे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। उसी तरीके से गिवन चार्ज बाय एफ, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ फराडे। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फराडे ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के। वन इक्विवेलेंट का अगर मास रिएक्ट कर रहा है तो वन फराडे का चार्ज पास किया होगा, ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है। तो नंबर ऑफ फराडे निकालना है अगर, तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इन दोनों का रेशियो अगर हम निकाल देंगे तो नंबर ऑफ फराडे निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से काम करना चाहिए। तो पहले तो इसमें आपको देखिए रिएक्शन में रिएक्ट कौन कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम Ca+2 के फॉर्म में, ये Ca+2 Ca बन जाता है। और ऐसा करने के लिए वो क्या करता होगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। अब इसको मोल्स के टर्म में समझते हैं। देखिए ये 1 मोल ऐड कर रहा है, ये 2 मोल, ये 1 मोल बनेगा। 1 मोल का मतलब होता है 40 ग्राम कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 40 ग्राम 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 40 ग्राम कैल्शियम आयन बन, कैल्शियम मेटल बन रहा है। लेकिन वहीं पर अगर 20 ग्राम कैल्शियम आयन है, 20 ग्राम कैल्शियम बन रहा है, 20 ग्राम कैल्शियम बन रहा है, 20 ग्राम कैल्शियम फॉर्म हो रहा है मोल्टन CaCl2 से, 40 ग्राम कैल्शियम आयन से बनता है, तो 20 ग्राम कैल्शियम 20 ग्राम कैल्शियम आयन से बनेगा। बात समझ में आया क्या कह रहे? इस तरीके से एक चीज आप सोचिए, 20 ग्राम अगर कैल्शियम बनता होगा तो कितना ग्राम कैल्शियम, कितना मोल्स ऐड करता होगा, 1 मोल्स इलेक्ट्रॉन ऐड करता होगा। अगर इसको, इस बात को आपको नहीं समझ में आया, आप इस बात को छोड़ दीजिए, हम फॉर्मूला से भी इस चीज को निकाल सकते हैं। पहला, हमको चाहिए गिवन मास, रिएक्शन में कितना ग्राम कैल्शियम बनने के दौरान कैल्शियम कितना ग्राम रिएक्ट किया, कितना ग्राम फॉर्म हुआ, 20 ग्राम, ये गिवन मास हो गया। कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास नहीं पता है, पहला काम इक्विवेलेंट मास पता करने का, हम लोग इक्विवेलेंट मास पता करेंगे। दूसरा, ये बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्राइडे के टर्म में बताइए कितना पास हुआ, नंबर ऑफ फ्राइडे, कितना फ्राइडे पास हुआ। तो ऐसे तो हम देख के तुरंत बता देंगे कितना पास हुआ है, मेरे पास कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको फॉर्मूले से बताते हैं। पहले तो आप इक्विवेलेंट मास निकालिए। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो मोलर मास, इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे, कैल्शियम का, तो मोलर मास कैल्शियम का 40, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 20। तो अब नंबर ऑफ फराडे अगर आप निकालना चाहोगे, नंबर ऑफ फराडे, नंबर ऑफ फराडे क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो गिवेंट मास कितना है 20, इक्विवेलेंट मास भी कितना है 20, तो कितना फराडे, 1 फराडे। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इस क्वेश्चन से, 13 नंबर क्वेश्चन से पहले 12 नंबर क्वेश्चन में यही चीज देखे थे कि अगर 1 मोल का इलेक्ट्रॉन पास होता है, आपको फिर से इसमें दिखा दे रहे हैं,
वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 96500 कूलम, जिसको हम लोग वन फराडे कहते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वन फराडे का चार्ज पास होता है, वन फराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो अगर ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन, तो फिर टू मोल्स इलेक्ट्रॉन पास होता है। 40 ग्राम कैल्शियम अगर बनता 40 ग्राम, तो टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होता, टू मोल से टू फराडे बनता। लेकिन 20 ग्राम कैल्शियम आयन बन रहा है, तो 20 ग्राम के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब होगा 1 फराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब 1 फराडे। तो ये एक अलग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से बनाने का तरीका है। दूसरा, नहीं तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, फॉर्मूला से आप यहां से पा सकते हो, मेथड 2 है ये, और ये मेथड 1 था। मेथड 1 में डायरेक्ट देख लीजिए कि 20 ग्राम कैल्शियम बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कितना फराडे, 1 फराडे, तो 1 फराडे का चार्ज पास हो रहा है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स भी बना सकते हो, और नहीं तो फॉर्मूले का यूज करके भी बना सकते हो। आराम से आप इस क्वेश्चन को देखिए, अपने समझने की कोशिश करिए और ट्राई करिए, खुद से भी जरूर बनेगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से क्या कह रहा है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। इसको नोट करिए, फिर इसको पाते हैं। नाउ कंटिन्यू करते हैं। 40 ग्राम एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है Al2O3 से, तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है फ्राइडे, बताइए। तो ये 40 ग्राम क्या हो गया, 40 ग्राम गिवन मास हो गया। एल्यूमिनियम का पहले आप इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए, नंबर ऑफ फ्राइडे निकालना एकदम आसान। एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम +3 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एयर बनाता है। यहाँ एल्यूमिनियम कैसे बना होगा, Al2O3 में क्या चीज है, Al2O3 ऐसे टूटता है, Al+3+ oxygen 2-, 3 ऑक्सीजन, 3 यहां बैलेंस कर देते हैं, 2 एल्यूमिनियम, 2 यहां बैलेंस करते हैं, तो Al+3 होता है। Al+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये चीज बनाएगा। अब कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम बना है वो 40 ग्राम एल्यूमिनियम फॉर्म हुआ है, तो गिवन मास पता है, इक्विवेलेंट मास निकालिए। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल देंगे, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 3, इक्विवेलेंट मास 9। अगर इक्विवेलेंट मास 9 आ चुका है, तो नंबर ऑफ फराडे कैलकुलेट करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास 40 है, इक्विवेलेंट मास 9 है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4.44 इस तरीके से आते जाएगा। तो नंबर ऑफ फराडे इतना फराडे, वेरी इजी।